नहीं, बाइक के आगे वाले टायर में हवा कम हो गई है क्योंकि सिमरन में अभी बैठी थी, इसलिए हवा कम हुई आपके आपके बैठने से। सिमरन के बैठने थे। हेलो, जैसे हम बाहर को खींचेंगे ऐसे चारों टायर की लाइट ऑन हो जाएगी, है ना, हो गई। देखो देखो कौन आया, छोटा बेबी आया है ना, कितना हैरान परेशान हो रहा है। चलो चलो चलो, ये बेबी पकड़ू, आओ आजो 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 आजो। हाँ, हमें स्पेशल फोन आया था कि बाहर आ जाओ, हमारे पास सामान भी है बेबी भी है, तो दोनों में से एक चीज पकड़ लो, तो हमने बेबी को प्रेफर करा, हम बेबी पकड़ेंगे। पैसे हैं खुले दूं? चलो चलो चले मितवा। ये बच्चा इतना हैरान होकर क्यों देख रहा है मेरे को, पहली बार देख रहे हो? ओहो, कैमरे को। अच्छा, आपको पता है कहाँ व्लॉग बन रहा है? वाह, इसको भी पता है कि व्लॉग वहाँ बन रहा है, वहाँ देखना है हमें। ये देखो, हमारे पास आपका दोस्त भी है, ये बैठा, ये बेचारा उदास था क्योंकि आप आए नहीं थे, अब आप आ गए हो तो खुश हो जाएगा। ओए, मुक्का मार के गिरा दिया तूने, बताऊं तेरे को मैं? और रे, तेरे से ज्यादा शैतान कोई नहीं है। ध्यान से देखिए गड्ढे को, ये वही गड्ढा है जहाँ पर इसकी टांग टूटी थी। ये तो बता दिया, गड्ढा श्रीनगर शिफ्ट हो गया, श्रीनगर से यहाँ आया। तो अभी थोड़ी बहुत शॉपिंग करने आए हम डी मार्ट। तो यहाँ पर पार्टी चालू हो चुकी है, अभी पार्टी में बंदे कम है। ओए चुप कर, आज चिल्ड्रन डे है तो इसका मतलब ये नहीं तो बोलती रहेगी। तो अभी और बंदे आ रहे हैं, वो रही मामी जी। मामी जी सत श्रीकाल। मामा जी सत श्रीकाल। तो ये ट्रंप वाले मामा जी, तो मामा जी पार्टी दे रहे हैं, इनका ट्रंप में सेकंड पेमेंट चली गई है, पहले एक पकड़ाई थी अभी दूसरी चली गई है, अभी दो पेमेंट और बची, फिर हम वापस शिफ्ट हो जाएंगे मामा जी के साथ क्योंकि फ्लोर बड़ा है ना। तो अभी हम जा रहे हैं साइबर सिटी की साइड, जब नया फोन लेके आए थे ना तो हमारा एक चार्जर खराब भी हो गया था, वारंटी में था, एक साल की वारंटी थी उसकी, तो वो मैं देखे आया था उनको कि भाई चेंज करके दे देना, मेरे को लगा हाथों हाथ मिल जाएगा, तो उन्होंने बोला अभी अवेलेबल नहीं है, आपको एक या दो दिन में दे दूंगा। तो उनका फोन है कि साइबर सिटी तक आ रहा हूँ, आपका चार्जर भी लेके आ रहा हूँ, और एक मैंने अपनी वॉच का स्ट्रैप भी मंगाया था बहुत बढ़िया, वो भी आ रहा है। तो जा रहे हैं लेने के लिए, अभी घर में सब लोग आ चुके हैं, सन्नी भी और ही आ गए, मुंबई वाले मामा जी आ गए, यहाँ वाले मामा जी, सबके सब बैठे। मैंने बोला 10 मिनट में जाके, गोली की तरह जाते हैं, गोली की तरह आते हैं, और ये भी साथ चल रहा है भाई, एक बंदा जाएगा बोर हो जाऊंगा ना, आपसे कितनी बातें कर लूंगा, बाकी बातें इससे करूंगा। तो अभी क्या सीन है ना, हम किया लेके आए हैं, किया जो है गियर वाली है, तो अपने को ना अभी आदत नहीं है गियर वाली की, जैसे स्पीड ब्रेकर आया ना मैंने हल्की ब्रेक मारी, गाड़ी झटके खाने लग गई, फिर याद है भाई इसमें तो गियर है, गियर भी छोटा करना होता है। मतलब जैसे ऐसे आप ऑटोमेटिक गाड़ी चलाते रहते हो ना, आपकी गियर वाली गाड़ी की आदत हट जाती है, ऐसा नहीं चलानी भूल जाते हो लेकिन आदत हट जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सामान के लिए। दोनों चीजें आ गई? देखो तीन चीजें। अच्छा, तीन चीजें हैं, एक चार्जर था, एक स्ट्रैप था, चार्जर स्ट्रैप। ओके ओके ओके, अच्छा ये दोनों अलग गिन रहा ना, मैं इनको साथ में गिन रहा था, बस ठीक है, इसी में डाल देते हैं। सी यू सून, बहुत बहुत थैंक यू, बाय बाय। तो ये हमारी नई घड़ी का कवर और ये बैंड, एक बार लगा के दिखाता हूँ कैसी लगेगी। अभी तो ये वाला लगाया हुआ है, ये भी अच्छा लग रहा है वैसे मेरे को, और इसका ओरिजिनल वाला मैंने यहाँ रखा था रात को, ये रहा, वैसे ये ओरिजिनल घड़ी के साथ आता है। टायर में हवा कम होगी ना, मीटर में लाल या येलो लाइट आ जाएगी, अभी तो कोई भी नहीं आ रही, पता लग जाएगा थोड़ा आधा किलोमीटर चलते ही। तो सन्नी भैया कहते बाइक का राउंड काटना है, और ये सब लोग जा रहे हैं, बाय बाय। बड़ी सारी बैठ के बातें बातें करी, साड़ी भी फोटो लेके आकर भी, आपकी आ गई फोटो, असी भी फेमस हो ये तेरे नाल, आप पहले ही फेमस हो हमारी नजरों में। ओके ओके ओके, तो अभी बाइक के आगे वाले टायर में हवा कम हो गई है क्योंकि सिमरन में अभी बैठी थी, इसलिए हवा कम हुई आपके आपके बैठने से। सिमरन के बैठने थे। हेलो, कह रहे आपके बैठने से हवा कम हो गई इसलिए बाइक नहीं चला पा रहा, उन्होंने बोला, उन्होंने यही बोला, अगर ऐसे बोला तो घर नहीं आओगे, ऐसे बोला तो फिर बाइक पे ही सो जाना।
सर्दियों का जो मौसम होता है ना भाई, एक नंबर ना, धूप होती है, जब मर्जी बाहर निकल जाओ, शाम को थोड़ी ठंड हो जाती है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। रात को आपको मैं अपनी वॉच दिखाना भूल गया था। वॉच तो बहुत बढ़िया लग रही है, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है। दिक्कत क्या है ना, जो इसका स्ट्रैप है वो हल्का सा लूज है। अब मैं सोच रहा हूँ इसके बीच में से एक दो ये जो है ना, ये क्या कहेंगे इसको, खांचे कहेंगे, जो भी कह लो, ये निकल जाए तो एकदम बढ़िया हो जाएगा। और वॉच देखो कितनी बढ़िया लग रही है यार। तो अभी मैं जा रहा हूँ 23 सेक्टर की मार्केट डिस्को निकलवाने के लिए, और यहाँ पर फुल सफाइयाँ सफाइयाँ चल रही हैं, सफाइयाँ दो बारी बोल दिया सीमा दीदी मैंने, और वही हमेशा की तरह गंद मचा हुआ है। हिंदी पढ़ लो ना, हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है, हम तो कहीं के भी नहीं रहे ना बहन। हाँ हमें संस्कृत आती है। हाँ आ गया भाई। स्टंट ओ भाई, लंबी लेके जा, लंबी। ओ जीजू में मत घुसा दियो, कहीं जीजू नहीं पड़ जाए सुबह सुबह। अब अपने को यहाँ पर कोई वॉच वाली शॉप ढूंढनी है। आपको पता है कहाँ है कि ढूंढनी पड़ेगी? पता है। अच्छा पता है, ओके। वैसे इस मार्केट में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ना हो। अच्छा छोटी में, ओहो बड़ी शॉप पे नहीं जाएंगे, मोटा खर्चा होगा, छोटी में जाएंगे, सस्ते में हो जाएगा। है कितना काम लगेगा इसमें से? 3-4 निकाल दो आप, एक बार मेरे को पहना के देख लो जितना आपको सही लगे। ये नौ आप अपने हिसाब से। ओ भाई अब हो गया काम एकदम बढ़िया। अभी भी मैंने ना इसको हल्का लूज छुड़वाया, लूज क्यों छुड़वाया, बिकॉज इसके अंदर ना बाल फंस जाते हैं, खिंच जाता है, इसलिए हल्का लूज रहना चाहिए था, लेकिन अब सही है। टाइम 1:45। सो के उठे हैं अभी थोड़ी देर पहले। कौन आप? मैं तो सुबह 4 बजे को उठा हुआ हूँ। 4 बजे वीडियो आ गई थी सुबह 9 बजे मेरी, पूछ लो चाहे। शेड्यूल कल कर दी थी। शेड्यूल करियो जब मर्जी करियो, सुबह उठ के 7:30 बजे मैंने एडिट करी है। चंदन भैया ने ना बाइक अच्छी चमका दी है, मजेदार। और ये लाइटें एक नंबर, और ये रेड एंड येलो ये भी एक नंबर भाई, हम एक नंबर, तुम्हारी बाइक भी एक नंबर। तो अभी का क्या सीन है ना, हम लोग जा रहे हैं, हमारी जो शिफ्ट है उसके एक टायर की लाइट बंद हो गई थी, बंद हो गए तो 1 महीने से ऊपर हो गया, लेकिन आज टाइम मिला तो जाके करवा ही आते हैं। इंडिकेटर चलाना। तो फाइनली लाइट हो गई हमारी। तो ये हमारी गाड़ी की सारी तारें खुली हुई हैं और टाइम 6:31, हम यहीं बैठे हैं अभी तक। क्यों? क्योंकि कुछ इसमें करवा रहे हैं, इसमें वो स्विच देख रहे हो, स्विच पड़ा हुआ है, हम जो टायर वाली लाइट है ना सारी स्विच से कनेक्ट करवा रहे हैं, ताकि हम स्विच अंदर से ऑन करें तभी वो लाइटें जलें, गाड़ी से कनेक्ट ना रहे। आवाज बता कर रहा बाहर आ जाए एक बंदा भाई, इतना मुश्किल इतना एक बंदे ही कह रहा है, इतना मुश्किल काम था नहीं जितना इसने बना दिया। एक्चुअली क्या है, दो पीछे वाले टायर में लाइट है, दो आगे वाले टायर में। जो पीछे वाली लाइट है वो पीछे बैक लाइट से कनेक्ट थी, आगे वाली आगे फॉग लाइट से कनेक्ट थी। जैसे हम मेन लाइट ऑन करते थे तो चारों टायर की लाइट ऑन हो जाती थी, तो वहां से वो कनेक्शन हटा के स्विच में देना था। ओहो भाई, पिछले 3 घंटे से हम ऐसे ही बैठे बातें कर रहे हैं। मैंने सोचा था ये ब्लॉग में सीन लूंगा नहीं, घर जाके थोड़ा ब्लॉग बना लेंगे, अब लाइटें वाइटें आपको कितनी दिखाऊं, लेकिन यही दिन से रात हो जाएगा तो भाई ब्लॉग तो बनाना ही पड़ेगा। क्या कह रहा है, ये लाइटें सफेद थी लाल क्यों जलने लग गई? इंडिकेटर भी चलता उसमें। आपकी शक्ल दिखानी जरूरी है, इन्होंने सारा सामान खोल दिया, अब बांधना नहीं आ रहा, ऐसा ही हो रहा ना कुछ? नहीं नहीं फिर क्या हो रहा बता दो। तो भाई इसने हमारे 4 घंटे बर्बाद करे हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसने हमसे लेबर लिया, 800 रुपये हमने दिए ना, अब जो हमारे 4 घंटे बर्बाद है उसके 500 रुपये हमें दे। अब बिल्कुल देंगे, कब देगा? पेमेंट पेटीएम करेंगे। अच्छा चल ठीक है, ये इसने यहाँ पर स्विच लगा दिया है, इसको जैसे ही हम बाहर को खींचेंगे ऐसे चारों टायर की लाइट ऑन हो जाएगी, है ना, हो गई। हाँ ये सही काम कर दिया, और जैसे ही स्विच को बंद करेंगे ये बंद।
तो अभी हम आए पेट्रोल पंप, और ये पेट्रोल पंप दिल्ली के पास ही पड़ता है, गुड़गांव के पास ही पड़ता है। तो दिल्ली वाली जितनी गाड़ी है ना, सारे यहीं से पेट्रोल डलवा के जाते हैं। देखो वो आगे दिल्ली जा रही है, वो आगे सेंट्रो खड़ी है, वो भी दिल्ली है। रीजन बताता हूँ क्यों। तो ये देखो क्या लिखा, दिल्ली से सस्ता पेट्रोल 8 रुपए लीटर। हाँ, तो इसलिए अभी यहाँ पर पेट्रोल पंप पे ना भीड़ लगी रहती है भाई। कितना बताते टैंक फुल में, मतलब 40 लीटर का टैंक है, 320 रुपए बच गए। 320 रुपए भाई बहुत होते हैं, और कईयों का तो रोज का 10-10 लीटर 15-15 लीटर पेट्रोल लगता है। आना जाना बहुत लंबा होता है, तो जितने बंदे भी गुड़गांव जॉब करने आते हैं सीधा यहाँ से पेट्रोल डलवाते हैं और दिल्ली निकल जाते हैं। तो भाई आप लोग भी आओ यहाँ से पेट्रोल डलवा के जाओ। रेस्टोरेंट में खड़ा हो और यहाँ से जाओ। बड़ी लाके दूं या छोटी? ठीक है, चल जाएंगे। हो चावल इससे खाऊंगा, चावल के लिए ये रहना, वो चिकन के मैं बड़ी प्लेट ले आती हूं। यार प्रीति भूख लग रही है, एक काम को चार चार बारी करती है ये। अभी हम डिनर भी नहीं कर रहे और हमारा लंच भी नहीं है, ये बीच का टाइम है। एक्चुअली 4-5 घंटे वहाँ बैठे बैठे ना भूख लग गई थी, पास में मैकडी था, लेकिन हमें लग रहा था अभी काम खत्म हो जाएगा, अभी 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। 10 मिनट करते करते 3-3.5 घंटे निकल गए। फटाफट से घर आए और खाना खाएंगे। जल्दी ले आप प्लेटें या कढ़ाई में ही खा लूँ? इसी में से खा लेता हूँ। अच्छा सही टाइम पे लगी, नहीं तो मैं इसी में से खाने वाला था। बाल भी दे गई है। क्या दे गई है? बाल दिखाना जरा। ये रहा, चावल खाओ या बाल खाओ पता नहीं, समझ नहीं आता। तू बड़ी खुश हो रही है, सुबह से सो रही है। मैं भी सोई एक घंटे पहले। निकाल के खा लो, रेस्टोरेंट में तो पता नहीं क्या क्या गिरा होता है, तो मैं बता दूं। कीड़े वाले, यही बात हम तुझे। आज अनारकली क्यों बनी हुई है? अनारकली तो पहले डैडी जी कमरे में हम खाली इनसे मिलने आते थे, अभी यहीं पर हमने डेरा बसा लिया है। कोई निकल के तैयार नहीं होता यहाँ से। क्या देख लिया, इसकी नया बैंड, नया रिमोट का कवर भी आया है। अच्छा, और यहाँ चल रही है बेसबॉल। ओ होम रन मार के दिखाओ। तो इस लड़की को आप पहली बार पढ़ते हुए देखोगे। कौन सा सब्जेक्ट है? SST। ओके, ये लड़की तो पढ़ लेती है। वो देखो वो कोने में छुपा हुआ दिख रहा है, वो दीवार के पीछे। हाँ आ जा बेटा आ जा, मुझे पता तू वहीं छुपा हुआ है। ये अपनी पढ़ाई टाइम से कर लेती है, वो लड़का नहीं करता। तो ठीक है यार, इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। ये आ गया वापस, मेरे को पता था, मेरे को पता तू ऐसे तो आएगा नहीं, जैसे मैं बोलूंगा ना वीडियो एंड करके वैसे तू भागता हुआ आ जाएगा। ओए दांत मार, तूने अपना इतनी तेज मेरे को पीछे हो जा। तो ठीक है भाई, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होप करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जहां तक अगर आपने ये वीडियो देख ली है तो लाइक करें बिना बिल्कुल मत जाना। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। आजा आराम से लेट के करेंगे फिर। आजा पिल्ले नहीं इसके पिलो। ये ना मेरे साथ, मैंने इसको बोला मेरे को ना वीडियो एडिट करनी है, ये आगे चिपक के मेरे साथ बैठ गया। कह रहा मैं आपके साथ बैठ के पढ़ूंगा। मैं यहाँ तो तू नहीं बैठेगा, शोर मचाएगा। मैंने इसके पिलो उठा के वहां फेंक दी। कह रहा मेरे पिल्ले, वो पिल्लो पिलो है, वो पिल्ले नहीं है। कह रहा मेरे पिल्ले फेंक दिए। तो ठीक है भाई, यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया है तो पता ना क्या करना है। ओ नहीं पता तो हम बता देते हैं, बता दे भाई फटाफट। बाय बाय। वाली जीत भले आ जाए मौत, अब हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ। अब शोहरत पाली मैंने, दौलत पाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।